बहुत बुरी तरीके से मेरी रिकॉर्ड और इसे हम अच्छी तरीके से देख भी सकें डाल देते सोच रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपना कॉन्वेक्स सर्कुलेट का अपडेट देने वाला हूँ। देख सकते हैं इसमें अभी हमें बहुत सारा काम करना है क्योंकि हमें इसमें हाइडिंग स्पेस प्लेस डालना है। और उसके साथ साथ आपको मछली को अपडेट दे देता हूँ। मैं देख सकते हैं यहाँ पे मछली हमारे कॉर्नर पर बैठी हुई है क्योंकि इनके पास कोई हाइडिंग प्लेस नहीं है अभी फिलहाल, और ये बच्चे देने वाली है बहुत ही ज़्यादा जल्द। और देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइडिंग प्लेस है जिसमें दोनों आ भी नहीं पाते, और जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वहाँ पे सीधा सीधा हमारा एक्वेरियम का फिल्टर है। देख सकते हैं वो कहीं अंडे को शक करके अपने फिल्ट्रेशन में ना डाल दे और इसके वजह से पूरा अंडा ख़त्म भी हो सकता है। तो उससे पहले हम इसमें एक मटका डाल देते हैं छोटा सा, ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें घूमे फिरे और सेफली अंडे दे सके। तो ये सब भी करना है, तो आपको मछली दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और फूड मैंने अभी तो फिलहाल ये भी देता हूँ, ये तो वैसे ऑस्कर्स के लोग के लिए है क्योंकि हमारा हिकारी का फूड ख़त्म भी हो चुका है। और देखो हाइडिंग प्लेस भी है कुछ, और डेकोरेशन आइटम है, इसको भी डाल देंगे अगर हमारा मन करेगा तो। और मैं आपको दिखाता हूँ मछलियाँ, बाकी सब तो बढ़िया है। ये हमारी पैरोट, पोलर पैरेट फिश, इन लोग भी बहुत अच्छे चल रहे हैं भाई। एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये भी सेम कॉन्विक्ट सिकलेट जैसी ही दिखती है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई पोलर पैरेट कॉन्विक्ट सिकलेट बोल रहे थे कुछ लोग, लेकिन सब अलग अलग होता है भाई। ये देखो ये है पोलर पैरेट और वो है कॉन्विक्ट सिकलेट। आपको पैटर्न उनका सेम ही दिखेगा लेकिन उनका डिज़ाइन पूरा, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा अलग ही है। ये देखो ये सच में पैरेट जैसे दिखते हैं और वो पता नहीं हमारे अलग ही दिखते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया, और देखो वाइट कलर की, ये भी हमारा पोलर पैरेट ही है। तो सब बढ़िया है, और हमारा मॉन्स्टर टैंक तो बहुत ज़्यादा सुंदर रहता ही है, हमेशा से रहेगा और आगे भी रहने वाला ही है। और जब से ये स्टैंड आया तब से ये जगह हमारे घर वालों के लिए फ़ोटो पॉइंट हो चुकी है, सब यहीं आके फ़ोटो खिंचाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी दिख ही जाएंगे, तो देख लो। और चलो मैं आपको ऑस्कर का अपडेट देता हूँ। हमारे पास जो ऊपर ऑस्कर है जो इस टैंक में रखे थे उसे बहुत ज़्यादा काट रहा था ये बड़ा वाला वेनीला, ये मेल है। देखो इसका मुँह ही देख लो, और मुँह से ही लग रहा है बहुत ख़तरनाक है भाई ये। तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ऑस्कर क्या कैसा है और बढ़िया है। और उसमें फिल्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलो ऊपर। तो हम ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं ये है हमारी ऑस्कर। ये देखो भाई ये है वो हमारी प्यारी प्यारी ऑस्कर जिसे बहुत बुरी तरीके से मैंने रिकॉर्ड दिया था, और अभी उसको देख सकते हैं अब वो पूरी की पूरी हील हो चुकी है और इसके बॉडी में एक भी आपको निशान नहीं दिख रहे होंगे। पता नहीं इसके लिप्स पे बस कुछ हो चुका है या फिर वो ऐसे ही पहले से, क्योंकि इसके लिप्स थोड़े से मोटे हो चुके हैं, लेकिन जो स्केल्स में बहुत ज़्यादा निशान थे देख सकते हैं वो पूरे के पूरे ठीक हो चुके हैं। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी जिसमें इसके स्केल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसके लिंक डाल दूंगा चैनल पर। और ये देखो भाई पूरी की पूरी बढ़िया हो चुकी है और खाना वगैरह सब खा रही है, हिकारी का फूड यहीं पर जो कि ख़त्म ही होने वाला है, बस लास्ट के कुछ दाने बचे हुए हैं। और ये देखो मछली की हालत, और टैंक फिल्ट्रेशन की बात बता रहा हूँ, ये फ़िल्टर हमारा देख सकते हैं हमने इसको टैंक के अंदर डाल दिया है क्योंकि ये वाला जो फ़िल्टर है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो मतलब आप इसको अगर ऊपर रखेंगे तो उसका सारा का सारा पानी बाहर आने लग जाता है और ये पूरा का पूरा गीला हो जाता है, इसलिए मैंने इसे अंदर डाल दिया। और मुझे इसके अंदर का थोड़ा सा स्पॉन्ज निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा पानी को फ्लो नहीं कर पाता और इस वजह से ये ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे अंदर ही डाल दिया। और बुलबुले के लिए एक हमने बबल छोड़ दिया यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका पानी मैं हर दो दिन में नहीं, कम से कम 3 दिन तो हो जाते हैं, उसके बाद ही मैं चेंज करता हूँ। और ये देखो मछली की हालत बहुत ज़्यादा सही हो गई यार, मुझे तो लग रहा है इसे वापस डालने का मन कर रहा है, लेकिन फिर वही होगा तो इसलिए मैं इसे डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता रहता है इनका ऑस्कर के बीच बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरी की पूरी ठीक हो चुकी है। और अपडेट इन लोग का भाई, इन लोग की मैं क्या ही अपडेट दूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी। ये देखो इनके तो टेल भी आने लग गए हैं और इतने सारे गप्पी हो चुके हैं। अगर कोई हमारे घर के आसपास रहता है और जो हमारी वीडियो देख रहा है अगर उनको ये सब मछली चाहिए तो मैं उन्हें दे सकता हूँ फ्री में, तो कोई इंटरेस्टेड है तो आ सकता है हमारे घर और ज़रूर आए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गप्पीज हो चुके हैं भाई। और आपको इस वाले टैंक का दिखाऊंगा तो इसमें तो बहुत सारे के टेल के कलर भी आ चुके हैं,
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। देखना ये देखो भर भर के। और हमारे पॉन्ड में भी बहुत सारे बच्चे हैं ही, तैर रहे हैं भाई, क्या बताऊँ। उन्हें कोई खा रही थी लेकिन अब कोई खाने वाली है ही नहीं, तो इसलिए देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता इन लोगों का, तो अगर किसी को चाहिए तो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करे और ले जाए ये सब चीज़ को, और जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हाथ लगा के, ये देखो ये तो डर भी नहीं रहे भाई मेरे से अभी से। वाओ, तो ये तो सक्सेसफुली ब्रीड हो चुके हैं ये बच्चे सारे, और कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारा ऑस्कर सबसे अच्छा है भाई, ठीक हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती हमें, क्योंकि ये हमारा बॉब है, सेकंड बॉब, तो हम इसको कुछ नहीं होने दे सकते। और वापस हम इसे अभी तो नहीं डालने वाले बिल्कुल भी भाई, और हम जो काम करने आए थे उसे करते हैं और इस मटके को लेके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे पास सबसे छोटा मटका है, देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे भी हमारे पास मटके हैं लेकिन वो सब कोई काम के नहीं है, वो तो बहुत बड़े हो जाएगा भाई। और एक पत्थर भी हमारे पास, चीज़ें तो बहुत सारी हमारे भर भर के हैं लेकिन काम कोई नहीं आती, तो इस वाले मटके को लेके चलते हैं नीचे और फिर लगाते हैं वहाँ पे, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ब्रीडिंग होने वाला है उन लोगों का, और बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे हमारे पास, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं नीचे और उसको लेके। तो हम नीचे आ चुके हैं बहुत सारा सीढ़ी चढ़ के, और ये मटका भी हम साथ ले आए हैं, और देखो मीशू, पता नहीं किसका नाम है ये मीशू। तो चलो अभी इसे डालते हैं, और मैंने आगे सीधा इसे वॉश कर लिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और चलो खोलो, और ये देखो फिल्टर भाई सब सही चल रहा है, ब्राउन हो चुका है हमारा पानी बढ़िया तरीके से, और स्मेल का भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मेल वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पुराना टैंक है और इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी लेकिन अब कुछ नहीं आ रही है। और ये देखो अब इसे हम धीरे धीरे रख देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि वो फिल्ट्रेशन से थोड़ा दूर रहे और इसे हम अच्छी तरीके से देख भी सकें। थोड़ा साइड करेंगे, ए भाई ये उड़ क्यों रहा है। हाँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमने वो टैंक रख दिया। अगर और चाहें तो हम और भर भी सकते हैं इसे, लेकिन मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है इतना भरने का इसके, देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया। अब वो उसके अंदर जाएंगे और बच्चे देंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, हम इसके बच्चों के साथ भी खेलेंगे बहुत ज़्यादा और उन्हें भी बड़ा करेंगे। और फिर भी इसे मैं डालने का मन कर रहा है यार, इसे भी डाल देता हूँ, सोच रहा हूँ एक ही डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ओ भाई इन्हों तो डर गए भाई, डरो मत दोस्तों। ये देखो सिर्फ एक ही डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। और ये देखो भाई अब दिख रहा है हमारा टैंक मज़ेदार, और इसमें बच्चे देंगे बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा, उसके अपडेट दूंगा कि ये बच्चे कैसे देती है और कितने दिन में दिए। और इसे मैंने शायद 4 दिन हुआ है, मैक्स टू मैक्स 4 दिन हुआ है इसे लाए, और देखो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और इन्हें भी मैं ब्लड वॉर्म देता हूँ, क्योंकि बच्चे देने से पहले इन्हें बहुत भर भर के प्रोटीन वाला फूड देना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये सब दे रहा हूँ फिलहाल तो। और जैसे ही बच्चे देंगे उसके बाद हम इसे नॉर्मल पैलेट में ले आएंगे, चाहे ये हो या ऑप्टिमम हो या कुछ भी हो, जो भी हम नया लाएंगे। तो कैसी लगी आप मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये हमारा टैंक सेटअप और ऑस्कर का अपडेट भी कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मछली किसको चाहिए गप्पी की वो भी मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे घर भी आ सकते हैं जिन्हें पता है, तो मैं उन्हें फ्री दे दूँगा, फ्री के फ्री। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।